हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस मेज ड्रॉवर को ऑर्गेनाइज़ करना बताऊंगी। सबसे पहले हम इस ड्रॉवर को पूरा खाली कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को नाप लेंगे, ताकि हम इसके अनुसार अपने कार्डबोर्ड को काट सकें। अब हम अपने मेज़रमेंट के हिसाब से कार्डबोर्ड को काटेंगे। जितनी उसकी लंबाई और चौड़ाई है वह देख के हम उसे कट करेंगे। कट होने के बाद इस टाइप से हमारे सेल्फ दिखेंगे, जिसे हम लगा के देखेंगे। जब हमारे सेल्फ ठीक तरीके से लग जाएंगे तो हम उन्हें प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे, और दो सेल्फ को हम इस टाइप से बीच में से कट करेंगे, जिससे जो सेल्फ है वो बॉक्स के शेप में नज़र आए। अब हम इन सारे सेल्फों को बाहर निकाल कर इन पर कलर करेंगे, जिससे ये सुंदर दिखे व ये कार्डबोर्ड ना लगे। अब हम अपने ड्रॉवर को अरेंज करेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले ड्रॉवर को अच्छे से साफ कर लिया, उसके बाद एक वाइट पेपर इसमें लगा दिया। आप चाहें तो साफ कपड़ा भी लगा सकते हैं, जिससे हमारा ड्रॉवर क्लीन दिखे और उसके अंदर रखे हुए सॉक्स, रुमाल, जो भी हम रखें वो गंदे ना हों। इसके बाद अब हम अपना सेल्फ को अरेंज करेंगे। जब सेल्फ अरेंज हो जाएंगे तो हमारा ड्रॉवर इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर मैंने मेरे हस्बैंड के सॉक्स, उनके रुमाल, मेरे बेटे के सॉक्स, उसके रुमाल और मेरे सॉक्स, सभी को मैंने अलग अलग डिवाइड कर लिए, ताकि मैं उन्हें प्रॉपर अरेंज कर सकूं। उन सभी को डिवाइड करने के बाद मैंने उन्हें अच्छे से प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे अरेंज करा। यहाँ पर मेरे बच्चे के ग्लव्स और सॉक्स रखे हुए हैं, इधर मेरे हस्बैंड के हैंकीज़ हैं, यहाँ पर मेरे हस्बैंड के सॉक्स रखे हैं, यहाँ पर मेरे सॉक्स है, इसके जस्ट पास में मेरे और मेरे बच्चे के हैंकीज़ रखे हैं, और ये जो यहाँ पर बॉक्स है इसमें मेरे हस्बैंड के एक्स्ट्रा इनर वेयर रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।